ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। और अगर आप आज इसका मूवमेंट देखोगे, अराउंड 13% के ऊपर ये हाई चला गया था, 30 रुपए के आसपास, 30.50, और उसके बाद ये नीचे आ गया और 5% पे आकर के ये क्लोज हुआ है आज के दिन, क्योंकि आज इसका रिजल्ट भी आया है। तो एक बार में ये ऊपर गया फिर नीचे गया। गाइस, सबसे पहले तो हम फंडामेंटल समझेंगे, उसके बाद टेक्निकल समझेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, मतलब कि हम समझेंगे आगे आप इसे होल्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। फिर मैं इस एक कैंडल के मूवमेंट के ऊपर लॉजिक बताऊंगा कि इसका लॉजिक क्या है, और इस कैंडल को हमें देख के क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्या हम इसे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो ये सारी चीजों पे बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना। तो इस पर्टिकुलर पेज पे अगर आप इस जगह को देखोगे, इस जगह पे आपको तीन चीजें गलत लगेंगी। सबसे पहला ROCE जो 2.32% है, जो काफी कम है। ROE -13.9%, ये तो नेगेटिव में है। और डेट टू इक्विटी 7.27। अब गाइस, जिनको ये ज्यादा लग रहा है, मैं उनको बता देता हूँ कि डेट टू इक्विटी बैंकिंग सेक्टर में हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो होता है उनका बिजनेस ही डेट का होता है। तो डेट टू इक्विटी आप दूसरे सेक्टर्स में लगा सकते हो, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में हम डेट टू इक्विटी को इग्नोर करते हैं। अगर हम बात करें इसके बिजनेस की, तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड से अगर कुछ खरीदते हो, तो आप एक तरह से लोन लेकर के उस चीज को खरीद रहे हो, चाहे वो 500 का ही है, 1000 का ही है, 2000 का ही है। तो उसी तरह से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अगर कोई रूरल एरिया से अर्बन की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा है और उसे बहुत कम लोन चाहिए, तो फिर वो 10,000 5,000 का लोन, इस तरह के लोन्स ये बैंक देती है। और जिस तरह से आपके क्रेडिट कार्ड पे मंथली इंटरेस्ट लगता है, उसी तरह से ये बैंक्स भी मंथली इंटरेस्ट लेती है। इसका रीजन ये है, आप इस चीज को खुद भी समझ सकते हो कि अगर कोई बंदा 10,000 का लोन ले रहा है और उसको 10% चार्ज किया जाता है एक साल के लिए, तो वो उसके लिए कुछ भी नहीं होगा और इससे बैंक का भी कोई खास प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए मंथली बेसिस पे चार्ज किया जाता है। ये तो हो गया इसका बिजनेस। अब बात करते हैं क्वार्टर्स पे। तो क्वार्टर्स पे अगर आप सेप्टेम्बर क्वार्टर का रेवेन्यू देखोगे, 993 रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 248 हाईएस्ट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट 294, गाइस आप देखना अराउंड 300 है, ये भी हाईएस्ट है। और अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ मार्च 2022 में, मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, मार्च 2021 को भी इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि कोरोना का टाइम था तो काफी अफेक्ट हुआ था। अब अगर हम मार्च 2020 की बात करें, आप यहाँ पे देखो एक साल में 350 करोड़ का ये प्रॉफिट था। और अगर हम बात करें सिर्फ एक क्वार्टर में 294 मतलब अराउंड 300 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ एक क्वार्टर में आ चुका है, जो कि पहले एक साल में आता था, वो अब एक क्वार्टर में आ रहा है। तो काफी ज्यादा ग्रोथ है, आप इस चीज को समझ सकते हो। अगर हम बात करें इस कंपनी के नेट एनपीए के बारे में, मतलब नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में, तो गाइस यहां पे 0.04% है, उसके पहले 0.11% था। अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं यहां पे, तो आप देखो बीच में जब पेंडेमिक का टाइम था 2% 3% तक ये चला गया था, लेकिन अब ये 0.04% तक आ चुका है, मतलब लगभग जीरो हो चुका है। और अगर आपको नहीं पता नेट एनपीए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए क्या होता है, आपको डिटेल वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप कोई सा भी वीडियो उठा करके देख सकते हो। अगर आप इन शॉर्ट समझना चाहते हो, तो आप इतना समझ लो कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर ये जीरो होगा तो अच्छा होगा, तो ये जितना कम होता है वो उतना ही अच्छा होता है। अब अगर बात करें इसके इन्वेस्टर्स के बारे में, मतलब कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, प्रोमोटर्स में आप देख सकते हो 73% से भी ज्यादा, 73.68% है। पब्लिक के पास 13% है, FIIs और DIIs के पास देख सकते हो, मतलब कि वीक हैंड्स में इसके शेयर्स नहीं है, इसके शेयर्स स्ट्रांग हैंड्स में प्रोमोटर्स के पास है, FIIs DIIs के पास है। तो फंडामेंटली ये कंपनी काफी स्ट्रांग है। साथ में मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ क्वार्टर्स में। जैसे मैंने आपको दिखाया 294 मतलब अराउंड 300 करोड़ का इनका सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट रहा है नेट प्रॉफिट में, एक क्वार्टर मतलब 300 करोड़। चार क्वार्टर होते हैं एक साल में, मतलब अगर हम इनका एनुअल निकाले, एनुअल प्रॉफिट, तो आता है 1200 करोड़ के आसपास। और अगर हम यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन 5500 करोड़ में से 1200 को डिवाइड करूं, तो अराउंड आता है 5 के आसपास, मतलब पी जो आएगा, पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो अराउंड 5-6 के आसपास आएगा। और ये कंपनीज 5-6 के पी पर नहीं काम करती है, और इनका पी ज्यादा होता है, इसलिए प्राइस ऊपर जाएगा। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये कंपनी फंडामेंटली एक काफी स्ट्रांग कंपनी है। ये सारी बात हो गई फंडामेंटल्स की, अब चलते हैं टेक्निकल्स पे। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस जगह पे, तो गाइस यहाँ पे आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा कुछ इस तरह से। ये कप है, ये एक हैंडल और ये दूसरा हैंडल है, इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद जो है आज का कैंडल बना है और एक कैंडल बीच में है, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न हुआ। अगर हम इसको मेजर करते हैं इस जगह से, सबसे लो से यहाँ तक अगर हम इसको मेजर करते हैं,
और उसके बाद इसको ऊपर लगाते हैं तो अराउंड हमें जो है 46% मतलब 47% के आसपास का हमें टारगेट मिलता है, जो कि कुछ इस जगह पर होता है। और अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें, आप यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई यहाँ पे है, ऑल टाइम हाई अराउंड 62 रुपीज के आसपास, 63 रुपीज के आसपास। ये कंपनीज बहुत स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई तक जा सकती है, पोटेंशियल रखती है ऑल टाइम हाई तक जाने का। तो अगर हम अभी के प्राइस से ऑल टाइम हाई को देखते हैं तो ये प्राइस होता है, ये परसेंटेज होता है अराउंड 124% के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं बात करूं इसको अगर पहुंचने में 2 साल भी लगते हैं और 124% अगर आपको मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा परसेंटेज है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये हुई, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो 50% को, मतलब अराउंड इस लेवल के आसपास, या फिर आप थोड़ा ऊपर इस लेवल के आसपास बेच सकते हो। ये कोरोना का टाइम है जहां से इसमें फॉल आना स्टार्ट हुआ था, तो आप अगर इस कप एंड हैंडल पैटर्न में एंटर करना चाहते हो, मैं आपको बोलूंगा बेस्ट प्लेस अभी कप एंड हैंडल में एंटर करने के लिए, यहां से ये यहां तक गया था, उसके बाद ये नीचे आया, अगर ये इस लेवल पे फिर से आता है रिटेस्ट करने के लिए तो आप यहां से बाय कर सकते हो और यहां से सपोर्ट लेकर के ये ऊपर जा सकता है। चाहो तो आप अब मार्केट खुलने के बाद अभी बाय कर सकते हो जहां पे भी गैप अप या गैप डाउन खुलता है, या फिर रिटेस्ट के बाद बाय कर सकते हो, आप जो चाहो कर सकते हो। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं इस जगह पे, अगर आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा ड्रॉइंग्स क्लियर कर देता हूं। आप यहां पे देखो, आपको यहां पे भी एक छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा जिसका यहाँ पे टारगेट आया है। और अब मैं इस कैंडल के बारे में बात करता हूँ, तो चलते हैं, सबसे पहले टाइम फ्रेम को मैं कम कर लेता हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ इस कैंडल के लिए खासकर, जो कैंडल मैं आपको बता रहा था। ओके, सो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है उस कैंडल का जो आज बना है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैं लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। ये उसका 1 मिनट चार्ट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अचानक से बाइंग आई क्योंकि कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए थे, उसके बाद यहाँ पे अचानक से सेलिंग आया। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हुई, सबसे पहला कप एंड हैंडल पैटर्न जो मैंने आपको दिखाया बाद में, उसका टारगेट कुछ इसी जगह पे था, तो आप उसको कैलकुलेट कर लेना, आपको इसी जगह पे टारगेट मिलेगा। सबसे पहला उसका प्रॉफिट बुकिंग प्लस बहुत किसी का 30 रुपीज के आसपास GTT ऑर्डर लगा था, तो उनका भी ऑर्डर जो है पंच हो गया और उसी की वजह से एक बार में सेलिंग आई। और यहाँ पे वॉल्यूम भी इसी वजह से काफी ज्यादा है, ये सब बायर्स की वॉल्यूम है और ये सब सेलर्स का वॉल्यूम है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जगह पे एक ही जोन में मार्केट लगभग रुका रहा, और अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस जगह पे, तो इसके नीचे नहीं आया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जितना बार ये टच कर रहा था, कोई एक बड़ा ऑपरेटर होगा जो बार बार बाइंग कर रहा था। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगभग वॉल्यूम जो है यहाँ पे 10,000, 8,000, 22,000 ऐसे थी, और यहाँ की वॉल्यूम अराउंड 1 लाख, 2 लाख, 1.5 इस तरह करके है। तो ओवरऑल आज बल्क में बाइंग भी हुई है, बल्क में सेलिंग भी हुई है, सब कुछ हुआ है आज, तो इसीलिए आज का वॉल्यूम पर्सनली काफी ज्यादा है। नहीं तो आप देखो, जहां पे यहाँ पे 15,000, 10,000, 3,000 आते थे, वहां पे एक मतलब एक मिनट में सिर्फ 3 मिलियन की वॉल्यूम है, तो काफी ज्यादा वॉल्यूम में आज बाइंग हुई है। तो टोटल मैंने आपको दो टारगेट्स दिए, सबसे पहला यहाँ पे 47% के आसपास और दूसरा यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास। अब आपको इन दोनों में से जो सही लगे यहां तक पहुंचने में, अब गाइस यहां तक इस टारगेट तक पहुंचने में हो सकता है इसे 2 महीने, 3 महीने या थोड़ा ज्यादा लगे, 5 महीने, 6 महीने इस तरह से लगे, लेकिन इस टारगेट में तो ये आधा साल या 1 साल में नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे मेरे को लग रहा है 1.5 साल या 2 साल लग सकता है, तो आपको वेट करना है। अगर आप वेट कर सकते हो तो यहाँ तक आप पहुंच सकते हो इजीली, और अगर आप वेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक पेशेंस का गेम है, अगर आप वेट नहीं कर सकते आपको यहीं पे एग्जिट कर जाना होगा। अब वो पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप कितना पेशेंटली वेट कर पाते हो। तो सबसे पहली चीज गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई भी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, आप जाओ खुद से एनालाइज करो, खुद से फंडामेंटल्स देखो, टेक्निकल्स देखो, चार्ट पैटर्न्स देखो, उसके बाद गाइस इन्वेस्ट करो आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से गाइस इन्वेस्ट मत करो। दूसरी चीज गाइस, यहाँ पे आपको 5% से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अपने फंड का सिर्फ 5% इसमें लगाना है, उससे ज्यादा नहीं लगाना है। यहाँ पे गाइस आपको देखने में तो ये मल्टीबैगर लग रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसके रिजल्ट्स 6 महीने तक सही आए, उसके बाद इसके रिजल्ट्स थोड़ा डगमगा जाए और उसके बाद ये कंपनी अच्छा परफॉर्म न करे, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में हो सकता है यहीं तक टारगेट आए, उसके बाद यहां से ही ऐसे घूम जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मल्टीबैगर के चक्कर में आपको नहीं जाना है कि मल्टीबैगर इस पे सारे पैसे लगा दो,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके सो बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर देना गाइज, और इसी तरह की वीडियोज हम लाते रहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट जरूर कर देना। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर किसी नए स्ट्रेटजी के साथ या फिर किसी नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।